Welcome to Mahadevi Vidyapalaya Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss about another unitary term which is blank words. So the blank words have a 16th say for each century that Sada Kivas Pata Kuchala Me Aya. Okay, so he first say out there is Sada Kalimam Sivari Me Jani. Words is a poetry. Words kya hai poetry hai. Words ki three types hai. Formal words, blank words or free words. फॉर्मल वर्ड्स होता है इसमें मीटर और डाइन दोनों को फॉलो किया जाता है. ओके, तो हम जानते जा रहे हैं कि फॉर्मल वर्ड्स में मीटर और डाइन दोनों को फॉलो किया जाता है. इसके बाद आता है ब्लैंक वर्ड्स. ब्लैंक वर्ड्स में सिर्फ मीटर को फॉलो किया जाता है, इसमें डाइन जो है वो नहीं होती है. डाइन इज नॉट फॉलोड इन ब्लैंक वर्ड्स. ओके, अब बात करते हैं फ्री वर्ड्स. फ्री वर्ड्स में मीटर और डाइन दोनों को ही फॉलो नहीं किया जाता. ओके, तो हमने वर्ड्स के बारे में जान लिया है कि वर्ड्स क्या है. एक पोएट्री है जिसके थ्री टाइप्स है, फॉर्मल वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स. आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लैंक वर्ड्स के बारे में जिसमें मीटर को फॉलो किया जाता है लेकिन जो डाइन होती है उसे फॉलो नहीं किया जाता. ओके, तो अब मीटर के बारे में जान लेते हैं. मीटर होता क्या है? मीटर होता है रिदमिक साउंड इन पोएट्री इज कॉल्ड मीटर. यानी जो रिदम होता है ना पोएट्री के अंदर, जो रिदम का साउंड होता है, रिदमिक साउंड होता है पोएट्री में, इसे हम क्या बोलते हैं? मीटर बोलते हैं. ओके, अब जो ब्लैंक वर्ड्स है इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है. और ब्लैंक वर्ड्स में क्या होता है? ब्लैंक वर्ड्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू इंग्लैंड by the Earl of Surrey in about 1540. It is the principal meter of Shakespeare's plays and meter of Milton's epic poem. यानी जो ब्लैंक वर्ड है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था 1540 में. ओके, और किसके थ्रू हुआ था? अर्ल ऑफ सरी के थ्रू दिस वाज इंट्रोड्यूस हुआ था. ओके, अब इट इज द प्रिंसिपल मीटर ऑफ शेक्सपियर प्लेज एंड मीटर ऑफ मिल्टन एपिक पोएम. यानी शेक्सपियर के प्ले में और मिल्टन की जो एपिक पोएम है उनमें जो ब्लैंक वर्ड्स है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. इसके अलावा जैसे वर्ड्स पर की ड्यूज है उसमें भी ब्लैंक वर्ड्स का ही यूज हुआ है. अब ब्लैंक वर्ड इन फॉर्म, यानी ब्लैंक वर्ड की फॉर्म क्या है? ये कैसे होता है? अनराइमिंग वर्ड होता है और किसमें होता है? आयम्बिक पेंटामीटर में होता है. ओके, ब्लैंक वर्ड इज पोएट्री रिटन विद रेगुलर मेट्रिकल बट अनराइम लाइंस ऑलमोस्ट ऑलवेज इन एन आयम्बिक पेंटामीटर. जो ब्लैंक वर्ड है वो पोएट्री में यूज किया जाता है जिस मेट्रिकल होता है लेकिन उसमें जो राइम होती है वो नहीं होता, इसलिए इसे अनराइम लाइंस बोला गया है. Almost always in iambic pentameter, जो हमेशा iambic pentameter में ही यूज किया जाता है. ओके, तो आप साथ साथ में इसे लिखते जाइए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ब्लैंक वर्ड्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू इंग्लैंड बाय द अर्ल ऑफ सरी, ये हमने जान लिया है. इट इज द प्रिंसिपल मीटर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, ये भी हमने जान लिया है. और मीटर इन मिल्टन्स एपिक पोएम, ये भी हमने जान लिया है. ब्लैंक वर्ड्स इन अनराइमिंग वर्ड्स इन आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस, जैसे कि वहां लिखा है, ये भी हमने अब तक जान लिया है. ओके, दिस मींस दैट द रिदम इज बेस्ड टुवर्ड्स अ पैटर्न इन व्हिच एंड व्हिच कैन एन अनस्ट्रेस्ड लेबल इज फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड वन. यानी कि ब्लैंक वर्ड्स पे मीटर तो फॉलो होगा लेकिन लाइन फॉलो नहीं होगी. मीटर में जो आयम्बिक पेंटामीटर है इसके अंदर एक सिलेबल पे स्ट्रेस होगा दूसरा अनस्ट्रेस होगा. ठीक है, इस प्रकार से जो एक लाइन में फाइव पेंटागन साइज से पेंटामीटर खुला गया है इसे हम आगे समझते हैं. विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वॉर्ड्सवर्थ आर थ्री वर्ड इंग्लिश राइटर हैव यूज्ड ब्लैंक वर्ड्स. ओके, जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है ना यहाँ पे वो स्ट्रेस टेबल्स
होता है इसमें इट इज द स्ट्रेस दैट कैन नॉट कैन कम गुड यानी फाइव जो फ्लेवर है उन पे स्ट्रेस ओके दूसरी लाइन में देखते हैं हम बट ब्रेक माय हार्ट फॉर आई मस्ट होल्ड माय टंग इसमें भी ब्रेक हार्ट आई होल्ड एंड टंग इन पे स्ट्रेस है तो एक फ्लेवर होगा अनस्ट्रेस और दूसरा फ्लेवर होगा स्ट्रेस तो नाइन वर्ड्स मैंने आज कंप्लीट कर लिया है आपको आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं और इसे नोट डाउन आप कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे अच्छे से आप देखिए आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछिए सो आज की इस वीडियो में हमने ब्लैंक वर्ड्स को कंप्लीट कर लिया है आई होप आपको ब्लैंक वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपको नहीं समझ में आए कुछ भी कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे शेयर कीजिए और इसे आप साथ साथ में नोट डाउन करने की कोशिश किया कीजिए ताकि आपके सब साधन क्लियर हो जाए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लिटरेरी टर्म के साथ तब तक के लिए थैंक यू